भाई और बहनों, हमारा देश में अभी भी वो गद्दार लोग हैं जो पाकिस्तान जीतने से अभी भी फटाका फुटाता है। वो ऐसा गद्दार अभी भी हमारा देश में जिंदा है। वो हमें बोलता है हिमन विश्व शर्मा हिंदू का राजनीति करता है। मैं बोला चलो यार, कम से कम तो मेरा ऊपर इंजाम है, हिंदू का राजनीति करने का, बाबर औरंगजेब का राजनीति करने का तो इंजाम नहीं है ना मेरा ऊपर। भाई और बहनों, हमें समझ के रखना चाहिए, ये 5000 साल से हिंदुओं ने ये भारत को निर्माण किया। आप बोलता है हिंदू को खत्म करना है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब तक शान और सूरज रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो हमारे। राहुल जी, आप जाके स्टालिन को बोल दीजिए, आप जाके उदय निधि को बोल लीजिए, हिंदू को कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग। हिंदू है, हिंदू रहेगा और हिंदू भारत को निर्माण करते रहेगा। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। भाइयों और बहनों, हमारे लिए ये जो मोमेंट है ये भगवान ने निर्माण किया है। मोदी जी का समय में भारत G20 का अध्यक्ष बने। आज पूरा विश्व में भारत का नाम बढ़े, सम्मान बढ़े, भारत वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी बन चुका है। मोदी जी का गारंटी है 2029 तक हम जापान को भी पीछे कर देगा और देश 3rd इकोनॉमी बनेगा विश्व में। लेकिन मेरा तो विश्वास है, अगर देश में और 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों का आशीर्वाद से बने रहे ना, ये देश अमेरिका और चाइना को भी पीछे कर देगा और ये देश विश्वगुरु बनेगा, ये पक्का है।